आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा भेजता। संख्या होती कांग्रेस के पास तो उनसे ही बात करते। विनेश, हमारी बहन विनेश ने बढ़ाने का काम किया है। दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने के बाद से पूरा देश हलकान है। इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन के इस फैसले की तीखी आलोचना हो रही है। विपक्ष सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। खुद विनेश इससे इतनी आहत हुई है कि उन्होंने कुश्ती से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच अब विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ये मांग हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से की जा रही है। दरअसल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद उनकी राज्यसभा की सीट खाली हो गई, जिस पर अब उपचुनाव होने हैं। संख्या बल का हवाला देते हुए कांग्रेस चुनाव लड़ने से पीछे हट चुकी है, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र इस खाली सीट से विनेश को राज्यसभा भेजने की जोरदार पैरवी कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि अगर उनके पास जरूरी संख्या बल होता तो वो विनेश को राज्यसभा भेजते, जिससे पूरे देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता। आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा भेजता, ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। जो उन्होंने संन्यास लिया सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं हार गई, कुश्ती जीत रही। मायूस है ना, वो जीती हुई थी भाई, और यही इसी बात की जांच मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर संख्या होती कांग्रेस के पास तो देश का जिस तरीके से गौरव विनेश, हमारी बहन विनेश ने बढ़ाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ उनसे उपयुक्त कोई और नहीं होता। अगर हमारे पास संख्या होती तो हम उनको जो है उनसे ही बात करते कि अगर उनकी इच्छा होती तो हम उनको लाते। बाकी ये बात कुड्डा साहब ने जो कही है बिल्कुल सही कही है, और दूसरी ये भी कही है कि वो गोल्ड मेडल के हकदार हैं, तो उनको जो सुविधाएं मिले, जो वो गोल्ड मेडलिस्ट के बराबर की सुविधा मिले, वो देश ने देखा है कि किस तरीके से जो एक सिस्टम है, सिस्टम में रहकर सिस्टम से लड़कर वो दुनिया में शीर्ष तक पहुंची, ये छोटी उपलब्धि नहीं है देश के लिए। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में करनाल से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट रहे दिव्यांशु सिंह बुद्धिराजा ने तो हरियाणा के सभी विधायकों से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विनेश फोगाट के समर्थन में वोट करने तक की अपील कर दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि देश का गौरव व हरियाणा की बेटी विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उसे देखते हुए हरियाणा के सभी विधायकों को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बहन विनेश फोगाट को आगामी राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से सांसद चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा जाना चाहिए। क्या विपक्ष की साझा उम्मीदवार बनेंगे विनेश? विनेश फोगाट को राज्यसभा का चुनाव लड़ाने की कांग्रेस नेताओं की मांग ने विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत को दिलचस्प मोड़ पर ला दिया है, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहते रहे हैं कि अगर कांग्रेस समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या खिलाड़ी को उम्मीदवार बनाती है तो जेजेपी समर्थन करेगी। दुष्यंत और दिग्विजय दोनों भाइयों ने विनेश फोगाट के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। ऐसे में अगर हुड्डा राज्यसभा चुनाव के लिए विनेश का नाम प्रस्तावित करते हैं तो जेजेपी उनका समर्थन कर सकती है। हालांकि अभी तक जजपा की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कुल मिलाकर हुड्डा के दाव ने नीरस लग रहे राज्यसभा चुनाव को अब दिलचस्प बना दिया है। जजपा क्या स्टैंड लेती है काफी कुछ उस पर भी निर्भर माना जा रहा है। बता दें, विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की मांग केवल हरियाणा से ही नहीं उठ रही, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी ने तो विनेश को भारत रत्न देने तक की मांग कर डाली है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर विनेश को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामांकित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।